जोहार नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं विशाल भाई इतने तपती धूप में मेहनत करते हुए, और इधर हमारी क्या नाम है। हेलो गाइस, आप सभी को जोहार, वेलकम टू माय चैनल विशाल की ऑफिशियल। तो बहुत टाइम के बाद ये ब्लॉग आ रहा है, हम लोग का शूटिंग ब्लॉग, और गाना का नाम है मधुबाला। तो ये वीडियो आएगा नागपुरी रिदम हाउस में, जिसमें एक मेरा गाना छूटा था, क्या बोलते हैं, जमाना जाली ना। हाँ, तो पहले मिलते हैं ताने कुमारी से। हेलो गाइस, जोहार। ये इसलिए ऐसा बोल रहे क्योंकि थके हुई है ना, अभी हम लोग शूट कर रहे थे, अभी 12 बज रहा है और बहुत धूप है, इस वजह से एनर्जी डाउन हो गया लड़की का। हाउ इज द जोश? देखिए एकदम नहीं है, लेकिन डांस में दिखेगा आपको। तो और मिला आज, पता है शूटिंग में ताने की मम्मी नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं कौन आई है। कौन है? नानी। कौन है? नानी। तो तानिया की नानी आई है शूट पे, तो उनको कैसा लग रहा आपको शूट पे आके? देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये तो आप लोग को बोल रही है वो। भूख में बच्चे लोग कर रहे हैं, देख के बहुत दर्द हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो बस आप लोग, बहुत सारा सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत है, और पीछे मेरा दोस्त, मेरा भाई राज, राज, और इधर भी मेरा भाई अमन। उधर कहाँ है, कोई भी नहीं है। अरे सॉरी, बहन में जी रहे। और इधर भैया, हेलो कर दिए भैया एक बार। हेलो। तो बस हम लोग दिखाते हैं शूट कैसा कर रहे हैं हम लोग। तो आज का जो भी सारा ब्लॉग होगा शूटिंग पे ही पूरा ब्लॉग होगा, कैसे हम लोग शूट कर रहे हैं और कितना धूप, कितना स्ट्रगल हो रहा है, तो वो आपको दिखेगा वीडियो पे, और बहुत मजा आने वाला है आप लोग को, हम लोग को नहीं। हम लोग को वीडियो में मजा आएगा, तो मिलते हैं आगे में। तानिया जी जो काफ़ी प्यारी लग रही है, एंड काफ़ी बेहतरीन अंदाज में थोड़ी देर शूट हो चुका है, लगभग 10% हम लोगों ने शूट किया है, लेकिन ज़मीन और आसमान दोनों तरफ से दाग रहा है हम लोग को, कड़कती धूप में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं दोनों एंड पूरा टीम, और गुड्डू भैया आराम फरमा रहे हैं उधर, ठीक है, एंड उधर ग्रुप के लोग दूर में दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को, वो भी मेहनत काफ़ी करते हैं। गुड्डू भैया शॉट लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, और हमारे डांसर भाई को आज लाइट पकड़ा दिया गया है, रिफ्लेक्टर थोड़ी नाराज है, एंड ये भाई प्लेबैक दे रहे हैं जो काफ़ी कूल लग रहे हैं, एंड उधर दोनों तैयार हैं शॉट लेने के लिए। ठीक था, ठीक था, थोड़ा सा पीछे कर दे, वहीं से सो हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, आप लोग बताओ कमेंट करके। शूटिंग तो चालू है अभी, और वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा नागपुरी रिदम हाउस में, और पूरा आपको शॉट दिखाते हैं शूटिंग का जो भी है। तो कैसा लग रहा था ना? गर्मी, बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद देख सकते हो कैसा लग रहा है। गर्मी लग रहा, गर्मी। रियोन भाई फीलिंग कैसा है? बहुत हॉट है, बहुत हॉट है फीलिंग। हम हॉट नहीं है, हम फीलिंग हॉट है बोल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है इन दोनों के साथ। मतलब बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं बोल के, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है, डांस देखते तो अच्छा लग रहा है, बट कहीं एसी पे बैठ के देखते ना तो और अच्छा लगता है, बट जो भी काम अच्छा लग रहा है। बहुत ही जल्द नागपुरी रिदम हाउस में आने वाला है मधुबाला।
तो हम पहली बार डियोन भाई से मिले, इनका तो वीडियो देखते रहता हूँ मैं, रोमांटिक हो गया, ब्लॉग्स हो गया, सब ऑसम है। तो अभी आज पर्सनली मिले तो मतलब क्या भाई है, मतलब आप इनसे मिलिएगा ना आपको बहुत मजा आएगा। गोरे चिट्टे दिखते हैं, हैंडसम से हैं, तो आप लोग मिलिए इनसे और कैसा लगा मिलके डियोन भाई? हाँ, मिल के दोनों भाई दोनों इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। इनका मैंने वीडियो देखा हुआ है एंड पर्सनली मिलने से काफ़ी और अच्छा लगा। एंड इनके ब्लॉग में हम आ चुके हैं और हम भी थोड़ी देर बाद ब्लॉगिंग करेंगे, थोड़ा और इन लोग से थोड़ा कूल हो ले, मतलब थोड़ा फ्री हो ले। हाँ। उसके बाद हम भी ब्लॉगिंग करेंगे और इनका ब्लॉग को देर देर सारा सपोर्ट दे, बिना मेरे बिना कहे भी लोग सपोर्ट तो करते हैं, फिर भी हम थोड़ा बोल रहे हैं तो थोड़ा पुश करिए, बोल ही देख रहे हैं ना, पूरा ब्रांड है। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम लोग पागल गाइस हमेशा की तरह हम लोग का अगला लोकेशन भी है धीरवा डैम, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है गाइस ये, आप लोग भी आइए यहाँ शूटिंग कीजिए। जो जो आसाम से देख रहे हैं उनके लिए है, जो जो सिमडेगा से देख रहे हैं उनके लिए है, रांची से देख रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो आप लोग धुरवा डैम आइए, क्या मैं सही बोला? तो आप लोग भी आइए और शूटिंग कीजिए, बहुत मजा आता है यहाँ का स्पेशल प्लेस है धुरवा डैम। तो चलिए आगे मिलते हैं। गाइस धूप आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा है, तो अभी हम कान्या की नानी जी को हम ले जा रहे हैं कन्या जूस खिलाने, और धूप है तो बहुत ज़्यादा, तो कान्या आ नहीं रही है, तो हम लोग कन्या जूस पीते हैं उसके बाद आगे शूट करेंगे, क्योंकि बहुत धूप है और ज़रूरी है कि शरीर को हाइड्रेट करके रखा जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग डांसर लोग हैं तो हम लोग एनर्जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और धूप तो देख ही रहे हैं। तो चलिए आगे कन्या जूस पीते हैं और मिलते हैं एकदम एनर्जी के साथ। सो गाइस ये गेटअप रेडी हो गया है और हम लोग धुरवा डैम पहुंच गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं शूट करने क्योंकि सब रेडी हो गया है। पानी देख लीजिए ना वहीं पे पीछे साइड में। हाँ कर रहा हूँ, चश्मा छूट गया तो चश्मा ले लिया जाए। हाँ बंद कर दीजिए, हाँ देख लीजिए उतना सबका, तो चलते हैं फिर आगे और मिलते हैं वहीं पर पीछे में हो गए, देख लीजिए ना, तो ये लोग लेके गया होगा, माँ आइए इधर आके बैठिए, तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं सूट। एंडिंग शॉट। तो गाइस ये रहा पैकअप से पहले का सीन। तो गाइस पैकअप से पहले का सीन आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मेहनतीला भाई है विशाल भाई जो है, तानिया जी जो है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, डांसर भाई लोग भी कॉपरेट करते हुए। एंड अभी एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, शॉट देते देते हमारे भैया जो है थोड़ा लग गए हैं, उनको लगा है, जो भी हो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हर कोई यहाँ पर, अभी उम्मीद है कि मेहनत रंग लाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैंने हर शूटिंग देखा है इतना गर्मी में तपती धूप में, कहाँ फेंके, किधर फेंके, इधर पैकअप हो चुका है। सो गाइस अब हम लोग ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, तो आप लोग कैसा लगा शूट करके? ऐसा तो अच्छा बोल रहा है लेकिन बीता है, फॉर्मेलिटी के लिए है, लोग मान थकान बहुत भरा, गर्मी आया है, हम तो सच बोल रहे थकान भरा बहुत ज्यादा, तो इतना ज्यादा धूप था और मैं ज्यादा फेंक दिया हूं। इतना ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी हम लोग शूट किए, तो आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, नागपुरी रिदम हाउस पे वीडियो आ रहा है, तो जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मधुबाला गाना को सुनिए आप लोग, मधुबाला मज़ा आएगा। और ये ब्लॉग बस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग अच्छा लगा तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।